गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर, लेसन 11, पोएम लाइफ। स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं रिमेनिंग पार्ट, जो है रिमेनिंग इस पोएम का सेकंड स्टैंजा। टू यूथ एंड एज एंड ट्रेवल्स ऑन विद चीयर, सो लेट द वे विंड अप द हिल और डाउन और rough or smooth, the journey will be joy our, still seeking what I sought when but a boy, new friendship, high adventure, but a crown and a crown, my heart will keep the courage of the guest and hope the royal last turn will be the best. Hanji, to youth and age and travel on with cheer. जीवन के साथ हमें प्रसन्नता से अपनी लाइफ की यात्रा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हमें भविष्य की चिंता को छोड़ते हुए हमें भविष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। फ्यूचर कैसा होगा, क्या बाधाएं आएंगी हमें, ये क्या मुश्किलें आएंगी, हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरी अपनी परेशानियों को छोड़कर, अपनी बाधाओं को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। सो लेट द वे विंड अप द हिल और डाउन। कवि कहता है कि रास्ते में कुछ पहाड़ आएंगे, कुछ ऊंचाइयाँ आएंगी, कुछ रास्ते पथरीले होंगे, कुछ उबड़ खाबड़ होंगे, तो रास्ते मिलेंगे, स्मूथ रास्ता भी मिलेगा। रास्ता हमेशा खुशहाल होना चाहिए। हमें कैसा ही रास्ता मिले, हमें उसको उसका डटकर सामना करना चाहिए। हमें जीवन में अपनी यात्रा को आनंदपूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और रफ और स्मूथ द जर्नी विल बी जॉय, स्टिल सीकिंग व्हाट आई सॉट व्हेन बट अ बॉय। स्टिल सीकिंग, हम बचपन से कुछ ना कुछ खोजते आ रहे हैं, कुछ सर्च करते आ रहे हैं, तलाश करते आ रहे हैं, नए फ्रेंड्स बनाए जीवन में, नई ऐसी साहसिक काम किए, आगे बढ़ते रहे। क्राउन मैंने ऊंची पोजीशन, क्राउन मैंने क्या होता है, वैसे ताज होता है, ऊंची पोजीशन प्राप्त करने के लिए हम बचपन से ही आगे बढ़ते रहे, प्रयास करते रहे। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। My heart will keep the courage of the guest and hope the rower's last turn will be the best. अब हम लाइफ के ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं, ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं कि हमारे दिल में जो है, हम सर्च करने के लिए साहस, हिम्मत, डेटर्मिनेशन है, जो मतलब हमारे में अंदर डेटर्मिनेशन मतलब इतना साहस है, वो आगे बढ़ गए हैं, हम आगे की तरफ जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि यात्रा का अंतिम क्षण सबसे अच्छा होगा। मतलब जो हमें लास्ट में, जो लास्ट टर्न विल बी द बेस्ट, हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम बचपन से प्रयास करते जा रहे हैं, सफलता प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, यात्रा का अंतिम चरण जो है सबसे बेस्ट होगा। लाइफ में ऐसे मोड़ आएंगे, जो ऐसे मोड़ आएंगे, हम सफलता प्राप्त कर जाएंगे। You will get achieve the goals of real life. हम अपनी real life में सफलता प्राप्त कर जाएंगे। The poet thought that he hopes that the best reward for his guest would come at the last turn of the life. The poet affirms to willingness his willingness and faith to his life, जिसमें हमें बताया गया है कि हमें हमेशा अपने जीवन में मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, अपने जो है, जो हमारा बीत गया उसे भूल जाना चाहिए और हमें भविष्य के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।